विरासती हक कभी खत्म नहीं होता। मिसाल के तौर पर एक आदमी फौत हो गया, उसकी एक बेटी और एक बेटा थे। बेटी को हक नहीं मिला किसी वजह से, वो जो उसका विरासत में, बाप की विरासत में बनता था। तो अगर बेटी को हक नहीं मिला और बेटी के आगे शादी हो गई, बच्चे भी हो गए, और बेटी हक लिए बगैर फौत हो गई, तो उसकी वफात से वो हक खत्म नहीं हो जाएगा, बल्कि वो हक आगे पास ऑन हो जाएगा उसके बच्चों को, उसके वारसान को, एंड सो ऑन एंड सो फार। और ये इस तरह पास ऑन होता रहेगा जब तक मिलता नहीं है। और दूसरी बात, विरासती हक कभी आउट ऑफ टाइम नहीं होता, जायदुल मियाद नहीं होता। ये नहीं हो सकता इतना अरसा हो गया जी आप नहीं ले सकते, टाइम बार हो गया, कभी टाइम बार नहीं होता, कभी आउट ऑफ टाइम नहीं होता। इसलिए कि ये अल्लाह का दिया गया हक है। कुरान पाक में, कुरान पाक में कुल 14 आयात है, बिलखसूस सूरा निसा में और दीगर सूरा मुबारका में भी। इसलिए इट इज ए वेरी वैल्यूएबल राइट, इट कैन नॉट बी कंटेन्ड बाय एनी मोड। किसी को किसी सूरत विरासती हक से महरूम नहीं किया जा सकता। इस पे आप रेफरेंस के तौर पर एक जजमेंट भी नोट फरमा लें, 2020 SCMR पेज 346। थैंक यू वेरी मच।